हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, जो कि कोर कोर्स ऑफ 14 का एक पेपर है। इसका फर्स्ट टॉपिक है डिफाइनिंग द फील्ड, इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी को डिफाइन करना है, इसके नेचर और स्कोप के बारे में बताना है। तो एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करने से पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड रेजिंग ऑफ प्लांट्स फॉर द यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग। कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा साइंस या आर्ट है जिसके अंतर्गत जो है मिट्टी को कल्टिवेट करके क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, और इसके साथ ही साथ एनिमल को के डोमेस्टिकेशन से भी ये रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ फसलों के उत्पादन से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत पशुपालन व्यवसाय को भी संचालित किया जाता है। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है, दो जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रो और कल्चर। एग्रो का अर्थ होता है मिट्टियों की जोत या फिर कृषि कार्य, और कल्चर शब्द का अर्थ होता है मानव की अपनी जीवन शैली। इस प्रकार अगर एग्रीकल्चर का अर्थ देखा जाए तो इसे सामूहिक रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि खेती की क्रिया या उससे उत्पन्न संस्कृति को एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसके बाद यह समझने की कोशिश कीजिए कि एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी क्या है। तो एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी इज़ ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्पेशल पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन डायमेंशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी एक ऐसा वैज्ञानिक विधि है जिसमें हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। कृषि से रिलेटेड जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसको समय और प्लेस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको साइंटिफिक स्टडी करते हैं एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी का एक मेजर पार्ट है। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मैन और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, कि पृथ्वी के सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर ह्यूमंस अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, इस चीज़ को हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं कि ह्यूमन की जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जो कि कृषि क्रियाकलाप है, वो एनवायरनमेंट और प्लेस और स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग जो है किस तरह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये डिफर करती है। सारी चीज़ों को हम लोग एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने अपने अपने डेफिनेशंस दिए हैं, जिसमें पहला है बर्नहार्ड के अकॉर्डिंग। इन्होंने बताया है कि कृषि भूगोल कृषि के स्थानिक विभिन्नताओं एवं उनके कारणों को स्पष्ट करता है। कहने का मतलब है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज देखें तो वो अलग अलग होती हैं। तो इनके अकॉर्डिंग, इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जो डिफरेंसेस होते हैं प्लेस टू प्लेस, वो उनको एक्सप्लेन करना और साथ ही साथ ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को भी एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में एक्सप्लेन किया जाता है। ये डेफिनेशन है बर्नहार्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद दूसरा डेफिनेशन है लेजली साइमंस के अकॉर्डिंग। इन्होंने बताया है कि कृषि भूगोल मनुष्य द्वारा भूमि पर कृषि का भूगोल है, यानी कि मनुष्य भूमि पर जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करता है उसी वही चीज़ जो है एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी है। ब्रुकफील्ड के अनुसार कृषि भूगोल निश्चय ही कृषि क्रिया का भूगोल है, जिसके अंतर्गत फसल वितरण का ही अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि कृषि से संबंधित अनेक पक्षों की भिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है। देखिए ब्रुकफील्ड के अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें इन्होंने ये नहीं बताया है कि प्लेस टू प्लेस कैसे फसलों के वितरण में विभिन्नताएं देखने को मिलती है, बल्कि इसके साथ ही साथ जो है कृषि से रिलेटेड अलग अलग और भी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आते हैं बेने। बेने के अकॉर्डिंग कृषि भूगोल भूगोल की एक शाखा है जिसमें कृषि संबंधित तत्वों विशेषकर फसल उत्पादन पद्धति के क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन किया जाता है। वितरण अध्ययन में भौतिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का विश्लेषण भी किया जाता है। इसमें कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर यही चीज़ है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कैसे प्लेस टू प्लेस डिफ़र करती हैं। कहीं पर राइस होता है, कहीं पर वीट होता है, या फिर कहीं पर साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, कहीं पर फ्रूट्स होते हैं। तो इस तरह से प्लेस टू प्लेस जो है अलग अलग फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग है कि इन सारे जो भी इनके डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो इनके पीछे क्या क्या फिजिकल और कल्चरल फैक्टर्स हैं, ये बेने के अकॉर्डिंग है। इस तरह से अगर सारे डेफिनेशन को इंक्लूड किया जाए तो फिर कृषि भूगोल को इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कृषि भूगोल कृषि कार्यों के स्थानिक वितरण,
उनके पारस्परिक संबंधों तथा अन्य स्थानिक तत्वों से पारस्परिक क्रियाओं का विश्लेषण कर प्रादेशिक स्वरूप की व्याख्या करने वाला भौगोलिक विज्ञान है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कृषि भूगोल में किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ जो कृषि भूगोल में अध्ययन किया जाता है वो है किसी क्षेत्र में कृषि का कौन सा प्रकार है। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की कृषि की जाती है, तो किस क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि होती है, ये पहला है। दूसरा है कोई कृषि प्रकार कहाँ पर स्थित है। उसके बाद तीसरा आता है वह कृषि प्रकार वहीं पर क्यों स्थित है, क्या रीज़न है कि किसी कोई पर्टिकुलर टाइप का जो कृषि है वो उसी जगह पर क्यों है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में इंक्लूड करते हैं। इसके साथ ही साथ जब इसके स्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं, मीन्स इसके अध्ययन क्षेत्र में क्या चीज़ें सम्मिलित होती है, तो वो इस तरह से हैं। कृषि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं एवं इन प्रकारों की व्याख्या एवं अध्ययन वहाँ के क्षेत्रीय क्रम में किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन कृषि भूगोल में किया जाता है। उसके बाद आता है विश्व में फैले कृषि प्रकारों के भिन्नताओं एवं समानताओं के सामयिक व्याख्या एवं विश्लेषण तथा उन कारणों की खोज करना जिससे यह भिन्नताएं विकसित होती हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से विश्व के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है कृषि भूगोल में। इसके साथ ही कृषि कार्यों में प्रचलित विभिन्न प्रणालियों एवं पद्धतियों के भौगोलिक परिवेश में व्याख्या करना। इसके बाद आता है किसी भी क्षेत्र का कृषि प्रारूप एवं कृषि कार्य परिवर्तनशील होता है, इन परिवर्तनों की दिशा एवं मात्रा का अध्ययन करना। उसके बाद है विभिन्न क्षेत्रों में हुए कृषि विकास का स्तर मापन करना जिससे भावी कृषि विकास की सही दिशा निर्धारित की जा सके। इसके बाद कृषि उत्पादन की दृष्टि से विकसित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना जिससे उनके विकास की गति तीव्र की जा सके। उसके बाद है कृषि के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र एवं गतिशील क्षेत्रों को सीमा अंकित करना आदि सभी तथ्य कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र के मुख्य आधार हैं। कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में स्टडी करेंगे तो बेसिकली जो जीस्ट इसका निकल आता है तो वो कह सकते हैं कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। इसके बाद आप लोगों का एक चैप्टर है विटलेसी के अकॉर्डिंग कृषि जो भी कृषि की जाती है उसको कैटेगराइज किया गया है, तो उन्होंने 13 प्रकार में जो है अलग अलग प्रकार की कृषि में उनको डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली कृषि भूगोल में हम लोग यही चीज़ स्टडी करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से अलग अलग प्रकार की कृषि होती है, जैसे कि कहीं पर नोमैडिक हर्डिंग होती है, कहीं पर डेयरी फार्मिंग होती है, कहीं पर कमर्शियल क्रॉपिंग होती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग प्रकार की कृषि होती है तो ये क्यों होती है, ये इसका मेन अध्ययन का क्षेत्र है। थैंक यू।